Hi everyone, welcome back to English Master. Here I am back after so long with the second part of the essay The Fight, which is written by William Hazlitt. So let's begin without wasting time. So I have already explained first part of it, which is there available on my channel. You can go through with that. And here I will be explaining another part of it. So let's begin. Here, the writer talks about Joe, Tom's and I could not settle about the method of going down. तो यहाँ जो कौन है? जो जो है, जिसे William Hazlitt ने यहाँ refer किया है अपने essay में, उनके according इसका नाम Joseph Parks है और वो एक solicitor है. Solicitor मतलब एक legal advisor जिसे कह सकते हैं. ठीक है? तो writer कहता है जो, Tom's और मैं. हम ये अभी तक सोच ही नहीं पाए कि हम कैसे वहां तक जाएंगे. Like उन्हें जाना था fight देखने के लिए. इंग्लैंड से लंदन. ही सेड देयर वाज अ कैरावन ही अंडरस्टूड टू स्टार्ट फ्रॉम टॉम बैचलर्स एट 2 व्हिच वुड गो देयर राइट आउट एंड बैक अगेन द नेक्स्ट डे. तो उन्होंने कहा कि हमें क्या एक कैरावन से जाना है जहां पर वो समझ गया कि हमें 2 o'clock पर टॉम बैचलर्स के यहां से स्टार्ट करना है और इसमें क्या होगा एक रात लगेगी वहां जाने में और आने में. दे विल बी एबल टू रीच देयर आफ्टर 1 night अगले दिन. तो नाउ आई नेवर ट्रेवल ऑल नाइट. तो राइटर यहाँ कहता है कि मुझे अब आदत नहीं है कि मैं पूरी रात यात्राएं करूं. एंड सेड आई शुड गेट अ कास्ट टू न्यूबरी बाय वन ऑफ द मेल्स. और वो कहता है कि मुझे अपनी यात्रा करने के लिए एक न्यूबरी से एक मेल को लेना है. मेल एक्चुअली एक क्या होते हैं वो 4 घोड़ों वाली सवारियां जो पहले जमाने में हुआ करती थी. जो सोर द थिंग वॉज इम्पॉसिबल. जो ने कहा ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. एंड आई कुड ओनली आंसर दैट आई हैड मेड अप माई माइंड टू इट. और मैं उसे कैसे बताता पर मैं तो अपना मन बना चुका था. इन शॉर्ट अगर मैं शॉर्ट में कहूँ ही सीम्ड टू मी टू वेवर. उसे देखकर ऐसा लगा कि वो सच में हिचकिचा रहा है वो हेजिटेट कर रहा है. सेड ही ओनली केम टू सी इफ आई वॉज गोइंग. और उसने तब यहाँ आकर बताया कि वो जाने को तैयार ही नहीं था बल्कि वो यहाँ ये देखने आया था कि मैं उसके साथ जा रहा हूँ या नहीं. हैड लेटर्स टू राइट. और मुझे उसने एक लेम्स एक्सक्यूज दिया कि उसे कुछ लेटर्स लिखने थे. A cause coming on the day after. और ये रीजन उसने दिया कि वो अगले दिन वहाँ आएगा. And faintly said at parting. और जब वो मेरे पास से जा रहा था तब उसने धीरे से कहा For I was bent on setting out that moment. और तभी से मैं अपना मन बनाने लगा कि मुझे अगले क्षण क्या करना है. Well, we meet at Filippi. और मैंने उससे कहा कोई नहीं हम फिलिपी में मिलेंगे. I made the best of my way to Piccadilly. Piccadilly क्या है एक स्ट्रीट है जो लंदन में है. कहता है मैंने उसको कहा कि चलो हम फिलिपी में मिलते हैं और ये कहते हुए मैंने अपनी रास्ता पकड़ ली. Like, मैंने अपनी रास्ता को स्टार्ट कर दिया अपनी जर्नी को. द मेल कोच स्टैंड वॉज बेयर. बेयर मीन्स खाली. मेल कोच में कोई भी नहीं था. दे आर ऑल गॉन. जिसको वहां पर प्राइस फाइट देखनी थी वो सब वहां से जा चुके थे. सेड आई मैंने कहा दिस इज ऑलवेज द वे विद मी. मेरे साथ हमेशा यही होता है. इन द इंस्टेंट आई लूज द फ्यूचर. एकदम से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना फ्यूचर खो दिया है. मेरे पास करने को वो नहीं है जिसका मैंने प्लान किया था. इफ आई हैड नॉट स्टेड टू पोर आउट The last cup of tea, I should have been just in time. कहता है काश कि वो आखिरी कप खड़े होकर जो मैंने चाय का पिया अगर मैं वहां पर अपना वक्त खराब नहीं करता तो शायद मैं टाइम से यहाँ पहुंच जाता. मैं कोच को पकड़ सकता था और मैं भी अपनी यात्रा शुरू कर सकता था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. एंड कर्जिंग माई फॉली. फॉली मीन्स मूर्खता बेवकूफी. एंड इल लक टूगेदर. और ये मेरा बैड लक था. दोनों को कोसते हुए मैं आगे बढ़ा विदाउट इंक्वायरिंग एट द कोच ऑफिस वेदर द मेल्स वर गॉन और नॉट. और मैंने ये भी नहीं सोचा कि जाकर एक बार चेक कर लूं कि वहां से कोच ऑफिस से मेल्स जा चुके हैं या नहीं. आई वॉक्ड ऑन इन डिस्पाइट. बल्कि मैं वहां से चल पड़ा. एंड टू पनिश ऑन माय डायलेटोरीनेस मींस लेजीनेस स्लोपन को एंड वांट ऑफ माय डिटरमिनेशन एट एनी रेट आई वुड नॉट टर्न बैक. और मैं अपने सुस्ती पने को कोसता हुआ और अपने डिटरमिनेशन को कहा इंग्लैंड में जाने के लिए जो उत्सुक था मैं उसके लिए अपना डिटर्मिनेशन बनाए रखा और किसी भी तरह से मैंने सोच लिया कि मैं वापस नहीं मुड़ूंगा बल्कि मैं उस फाइट में पहुंचूंगा जो कि मुझे देखनी थी. चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं. आई माइट गेट टू हंस्लो. हंस्लो इज अ टाउन इन इंग्लैंड. और परहैप्स फार्दर टू बी ऑन माई रोड द नेक्स्ट मॉर्निंग. तो मैंने क्या कहा मैंने सोच लिया कि शायद मैं हंस्लो में या फिर उससे भी आगे अगले सुबह को पहुंचूंगा. आई पास्ड हाइड पार्क कॉर्नर माई रूबिकॉन. रूबिकॉन क्या होता है एक एक्ट ऑफ विनिंग होता है जिसमें इस अपोनेंट के जो है 100 से कम पॉइंट्स होते हैं. ठीक है और जीतने वाले को वो पॉइंट्स भी उसके एडिशन हो जाते हैं जिसमें वो हार रहा था. एंड ट्रस्टेड टू फॉर्चून. और वो कहता है कि मैंने ये सब सोचते हुए कि ये एक फॉर्चून है मेरे लिए और ये मेरा गुड लक है जिसको मैंने अपने ध्यान में रखते हुए आगे की यात्रा स्टार्ट कर दी. सडनली आई हर्ड द क्लैटरिंग ऑफ ब्रेंटफोर्ड. ब्रेंटफोर्ड क्या है एक फुटबॉल स्टेज है.
एक क्लब है, ठीक है। एंड द फाइट रश्ड फुल अपॉन माई फैंसी, कहता है जैसे ही जब मैं वहां पहुंचा और मैंने जो फुटबॉल क्लब से आवाजें सुनी है ना लोगों के शोर करने की, क्योंकि 20,000 से ज्यादा की भीड़ थी वहां पर, एंड द फाइट रश्ड फुल अपॉन माई फैंसी, तो कहता है मेरे हवासों पर छा गई ये लड़ाई, अब मुझे कुछ याद नहीं था मैंने पीछे क्या कुछ किया था, अब मुझे यहाँ जाकर ये लड़ाई देखनी थी। सो टिल नाउ व्हाट डिड वी लर्न टिल हियर, दैट राइटर इंस्टेड ऑफ हैविंग एनी पर्सन विद हिम अलोंग विद हिम ऑन दिस जर्नी, ही ऑल अलोन स्टार्टेड हिज जर्नी राइट फ्रॉम लंडन टू इंग्लैंड एंड ही रीच्ड टू द प्लेस वेयर ही वांटेड टू बी, द प्लेस वेयर द प्राइज फाइट वाज गोइंग टू टेक प्लेस। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि राइटर अपने किसी भी दोस्त और किसी भी मित्र के बिना अकेला लेट हो चुका था, अपनी सवारी खो चुका था, उसके बाद भी गुस्सा करते हुए वो लंदन से इंग्लैंड पहुंचता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर प्राइस फाइट स्टार्ट हुई थी। आइए आगे देखते हैं। आई आर्ग्यूड नॉट अनवाइजली दैट इवन अ बेंकफोर्ड कोचमैन, ये वो कोचमैन है जिसके साथ वो आगे जाएगा, वॉज बेटर कंपनी देन माई ओन थॉट्स, और वो कहता है कि ये तो बड़ा अच्छा इंसान था, इसके साथ मैंने क्यों नहीं सोचा कि मेरी कंपनी इसके साथ भी बेहतर हो सकती है। सच एज देवर जस्टेड, जैसे वो उन्हें मेंशन करता है जिन लोगों के साथ उसने मन बनाया था वो उनके साथ यहाँ कर काम करें, लाइक देखें स्पेक्टेटर बने, एंड एट हिज मींस बेंकफोर्ड कोचमैन, ठीक है, इसलिए मैंने इसे इस तरीके से मेंशन कर दिया है। इनविटेशन, जब उसको कोचमैन ने बुलाया, माउंटेड द बॉक्स विद हिम, माउंटेड मींस चढ़ गया उस बॉक्स में, यानी कि ये फाइटिंग क्या थी, बॉक्सिंग थी, तो बॉक्सिंग रिंग में मैं चढ़ गया। आई इमीडिएटली स्टेटेड माय केस टू हिम, नेमली माय क्वेरल विद मायसेल्फ फॉर मिसिंग द बाथ और क्रिस्टल मेल, ये दोनों शहरों के नाम है, ठीक है। तो कहता है मैं वहां चढ़ा और मैं अपने मन में अभी भी सोच रहा था, मैं अपने मन में उन चीजों को कोस रहा था कि मैं क्यों नहीं उन जगहों से मेल यानी कोच को पकड़ पाया ताकि मैं अपनी यात्रा पूरी कर पाता, एंड माई डिटर्मिनेशन टू गेट ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस एज वेल आई कुड विदाउट एनी डिसपैरेजमेंट मींस क्रिटिसिज्म करना, उसको बुरा समझना और उसको उसके बारे में बुरा सोचना, और इंसल्टिंग कंपैरिजन बिटवीन लॉन्गर और शॉर्टर स्टेजेस, तो कहता है मैं अब इस बारे में कुछ सोचना नहीं चाहता था कि मेरी यात्रा बहुत लंबी हो चुकी थी या छोटी हो चुकी थी, बट रिजल्ट क्या थे कि मैं यहाँ पर पहुंच चुका था। तो कहता है इट इज अ मैगजीन, एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है विद मी दैट स्टेज कोचेस, जो स्टेज के कोचेस होते हैं, एंड कॉन्सिक्वेंटली स्टेज कोचमैन आर रिस्पेक्टेबल इन प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस दे हैव ट्रेवल्ड, कहता है अगर कोई कोच या कोचमैन कहीं स्टेज पे आए और ऐसा माना जाता है कि वो जितने ज्यादा दूर से आए लोगों का इतना ज्यादा सम्मान करते हैं। सो आई सेड नथिंग ऑन दैट सब्जेक्ट टू माई ब्रेंटफोर्ड फ्रेंड, तो ये सोचते हुए मैंने अपने आप को तसल्ली दे दी और मैंने इसलिए अपने दोस्त से कुछ नहीं कहा। एनी इंसिपिएंट मींस एमर्जिंग, उभरती हुई टेंडेंसी टू एन एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशन, यानी कि अब मेरे दिमाग में जो प्लान था उभरता हुआ वो बिल्कुल अलग था, और एज ही माइट हैव कंस्टिट्यूटेड इट टू अ पर्सनल रिफ्लेक्शन ऑफ दिस काइंड वॉज हाउएवर निप्ड इन द बड, फॉर आई हैड नो सूनर डिक्लेयर्ड इंडिग्नेंटली मींस एंग्रीली दैट आई हैड मिस्ड द मील्स, खोया हुआ था, तब मैंने क्या देखा कि थ्री ऑफ देम, उनमें से तीन बॉक्सर्स जो थे क्या हुए, वो बड़ी तेजी से प्रोवोकिंग मींस एक दूसरे को ललकारते हुए, ऑर्डरली सक्सेशन मींस एक के बाद दूसरा, एज इफ दे वुड डेवर द ग्राउंड, जैसे कि वो ग्राउंड को खाड़ फेंकेंगे बिफोर देम, जो उनके सामने था। कहता है मैंने सब बातों में उलझा हुआ था, तभी मैं क्या देख रही हूँ कि थ्री ऑफ देम वर देयर ऑन द स्टेज एंड दे ऑल लुक्ड वेरी प्रोवोकिंग वेरी एंग्री एंड दे वर लाइक गोइंग टू डेवर द होल ग्राउंड। हियर अगेन आई सीम्ड इन द कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन ऑफ द मैन इन राइडर, कैसी दुविधा में फंस गया हूँ। इन लाइनों में हम देखते हैं कि राइडर क्या कहता है, वो कहता है मैं ऐसी ही दुविधा में अपने आप को फंसा हुआ देख रहा था। आई फॉलो फेट व्हिच डज टू हार्ड परस्यू, कहता है मैं अपने भविष्य को फॉलो करता हूँ, फेट मतलब भाग्य, मैं अपने भाग्य को फॉलो करता हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा भाग्य भी मुझे फॉलो करता है, यानी कि वो लाइनें कहती है कि मुझे ऐसा लगने लग गया कि मैं अनलकी हूँ, शायद इन तीन लोगों को देखकर उसे ऐसा लगा कि वो अनलकी है या वो उसे हार्म कर सकते थे। तो ये सब जानने के लिए हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड, वी विल सून मीट इन द नेक्स्ट पार्ट, टिल देन टेक केयर।